तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अतुल्यम ग्रुप पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए डेली कोई ना कोई अपनी वीडियोस के थ्रू अपडेट लेकर आते रहते हैं और अपने इस YouTube चैनल के थ्रू आपको जानकारी देते रहते हैं किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है, अच्छा रेंटल मिल सकता है। तो हम लोग आपके लिए कोई ना कोई जैसे वीडियोज होती है, दिल्ली NCR की वीडियोज होती है प्रोजेक्ट्स की, दुबई प्रोजेक्ट्स की होती है और गोवा और आपके लिए अदर प्रोजेक्ट्स के लिए अपडेट आपके लिए बनाते रहते हैं वीडियोस और अपने YouTube चैनल पर डालते रहते हैं। तो जिस आज वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ या जिस प्रोजेक्ट पे आज मैं बात करने वाला हूँ, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले बनाई थी और उसका मुझे बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आया था और काफी अच्छे व्यूज गए थे उस वीडियो पे मेरे। मतलब अगर बात करें तो 45,000 व्यूज गए थे। अब उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो लोग उस समय रह गए थे या उस समय जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बन रही है। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ उस वो रहने वाली है लोकेशन, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और मैं बता दूं आपको कि ये जहां मैं आज खड़ा हूँ ये पश्चिम विहार का A2 ब्लॉक है और A2 ब्लॉक पे मैं आपको ये पूरा ये दिखा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट बनने वाला है और इसमें पूरा का पूरा कमर्शियल रहेगा। ये इसमें टावर आ रहे हैं इसमें। और अगर हम बात करें लोकेशन के बारे में तो आप मेरे सामने देख सकते हैं इस साइड, ये वो एरिया है जहाँ पे आपका ज्वाला एडी मार्केट के पास में पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और ये आपकी ज्वाला एडी साइड से रोड आ रही है और इधर से अगर आप देखें तो ये A2 मेन ब्लॉक की रोड है। तो लोकेशन बहुत शानदार रहने वाली है। तो शुरू करते हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की तो ये प्रोजेक्ट पश्चिम विहार में बन रहा है। पश्चिम विहार में अगर हम बात करें तो A2 ब्लॉक में पूरा ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या चीज आ रही है, कौन बिल्डर है, सब मैं आपको जानकारी वन बाय वन देता रहूंगा और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है स्वास्थ्य जैम के नाम से बन रहा है और बिल्डर जो है गैलेक्सी इसे बना रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ये टावर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, जो 20-30 साल पुराने टावर्स हैं। आप इनके हालात देख सकते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, मेंटेनेंस जीरो है। और यहाँ पे हम नया इंफ्रा तैयार कर रहे हैं, बहुत ही शानदार रेट्स हैं यहाँ के। और रेट्स जानने के लिए आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो के, क्या आ रहा है क्या सब चीजें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। बेसिकली बिल्डर जो है गैलेक्सी है, गैलेक्सी ऑलरेडी काफी सारी डिलीवरीज कर चुका है ग्रेटर नोएडा, काफी पुराना बिल्डर है और इन्होंने 6 प्रोजेक्ट आपके ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में डिलीवर करे हुए हैं, जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि एक इनका प्रोजेक्ट है गैलेक्सी वेगास, गैलेक्सी डायमंड प्लाजा एंड गैलेक्सी रॉयल, गैलेक्सी ब्लू सफायर और गैलेक्सी नॉर्थ वेन्यू 2। ये 6 प्रोजेक्ट इनके ऑलरेडी डिलीवर है। इनमें से 3 कमर्शियल है और 3 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। और इन्होंने जो दिल्ली में एंट्री करी थी तो दिल्ली में पहला प्रोजेक्ट लेकर आए थे स्वाजरी 18 के नाम से, रोहिणी सेक्टर 18 में। उसके बाद इन्होंने लॉन्च करा था प्रोजेक्ट नेताजी सुभाष पैलेस में स्वाजरी NSP के नाम से। और तीसरा इनका प्रोजेक्ट जिसके आज हम वीडियो बना रहे हैं स्वाजरी जेम्स के नाम से इन्होंने पश्चिम विहार में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एंड इनका फोर्थ जो प्रोजेक्ट है वो स्वाजरी नोवल्टी स्ट्रीट के नाम से बन रहा है चांदनी चौक में। और अगर हम बात करें इनके फिफ्थ प्रोजेक्ट की तो वो पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रहने वाला है, दिल्ली का पहला रेजिडेंशियल, ना कि इनका जो पोर्टफोलियो में पहला रेजिडेंशियल नहीं है, दिल्ली का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि स्वाजरी हाइट के नाम से लॉरेंस रोड ब्रिटेनिया चौक पे बन रहा है। तो ये इनकी सारी के सारे प्रोजेक्ट की डिटेल है दिल्ली के और दिल्ली में इन्होंने कैसे कैसे एंट्री करी। बेसिकली आप मेरे मुंह से स्वाजरी सुन रहे होंगे, बार बार स्वाजरी नाम ले रहा हूँ तो वो क्यों है, क्या मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको कि इनकी एक थीम है स्वाजरी। बेसिकली स्वाजरी का जो मेन मीनिंग है वो ये होता है, थाईलैंड में नमस्कार कहते हैं स्वाजरी को। तो अगर हम बात करें इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड और मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ तो वो इनका बैकग्राउंड ये है कि ये डायमंड मर्चेंट भी हैं और पहले गौर के फाइनेंसर भी हुआ करते थे। इनका जो थाईलैंड में, बैंकॉक में, हांगकॉन्ग में इनका डायमंड मर्चेंट का काम है। तो यही वहां से ये थीम लेकर आए थे कि अपने प्रोजेक्ट से नाम हम स्वाजरी के नाम से रखेंगे सारे के सारे। तो वही इनके प्रोजेक्ट से नाम है स्वाजरी, सारे प्रोजेक्ट्स में लगता है इनके आगे पहले प्रोजेक्ट के नाम के आगे। अब बात कर लेते हैं पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है और क्या इसकी मतलब खासियत है, क्या इसकी एमिनिटीज रहने वाली है। बेसिकली यहाँ की अगर बात करें हम लोग, हम बात करें पश्चिम विहार की, पश्चिम विहार एक बहुत ही बड़ा रेजिडेंशियल हब है।
क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप देखो वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल हब माना जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको हर चीज अवेलेबल होगी, आपको बिल्डर बाय फ्लोर भी मिलेगा, यहाँ पे आपको सोसाइटीज भी मिलेंगी, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। उसी हब के बीच में हम एक कमर्शियल लेकर आ रहे हैं, और एक कमर्शियल को चलाने के लिए रेजिडेंशियल की बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात कि सप्लाई वर्सेस डिमांड का गेम होता है, यहाँ पे सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज्यादा है। दूसरी बात कि यहाँ पे रेजिडेंशियल हब है और बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ऑफिसेस की, रिटेल की, फूड कोर्ट की, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीप्लेक्स भी आ रहा है। दूसरा कि सप्लाई यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। सप्लाई लिमिटेड कैसे है कि यहाँ पे जितने भी आप टावर्स बने हुए देख रहे हैं, ये टावर्स सारे के सारे आज से 20-20-30 साल पुराने टावर्स हैं, जिनकी मेंटेनेंस कुछ भी नहीं, किसी का शीशा टूटा हुआ है, किसी की वजह से लेंटर निकल रहा है, लोहा लंगर सब निकला हुआ है यहाँ पे, और हालात आप देख सकते हैं। और कुछ इसमें से पहली बात तो फ्री होल्ड ही नहीं है, सारे जो थोड़े बहुत टावर्स हैं फ्री होल्ड हैं, बाकी जितने भी टावर्स हैं लीज होल्ड पे हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है आपको जो नया इंफ्रा तैयार हो रहा है स्वास्थ्य जैम के नाम से, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बैंक लोन इस पे अवेलेबल है, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। आपको यहाँ पे ना तो लिफ्ट मिलेंगी, ना आपको यहाँ पे कोई मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, आपको सारी चीजें इस नए इंफ्रा के अंदर मिल रही हैं। आपको गार्ड्स, आपको पार्किंग, आपको सिक्योरिटी, आपको लिफ्ट, एवरीथिंग, आपको हर चीज इस मॉल के अंदर आपको मिल रही है। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बिहार के लोग अगर ऑफिस स्पेस सर्च करते हैं तो आज के टाइम में यहाँ पे ऑफिस स्पेस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, कॉर्पोरेट थोड़ा सा स्टाइल में अगर आपको ऑफिस चाहिए तो। आपको घरों के अंदर रेजिडेंशियल के अंदर नीचे ऑफिस स्पेसेस मिल जाएंगे, किसी के घर के नीचे किसी ने छोटा सा ऑफिस बना रखा है वो आपको मिल जाएगा, बट एक कॉर्पोरेट स्टाइल अगर आपको ऑफिस चाहिए तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। बट आने वाले समय में फ्यूचर में आपको ये चीज अवेलेबल होगी। अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक अच्छा राइट टाइम है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। बात करें यहाँ पे जैसे पंजाब आ गए, आपका पश्चिम बिहार है, आसपास के लोग अगर ऑफिस स्पेस चाहिए होता है तो वो या तो एनएसपी जाएंगे, उनके पास एक ही बेटर ऑप्शन है, या तो एनएसपी जाना है वो एक कॉर्पोरेट हब है, या फिर जाएंगे जनकपुरी, या इससे आगे गुड़गांव साइड जाना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई है ही नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बेसिकली सीएस की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, ऑफिसेस की, एडवोकेट्स की डिमांड रहती है, और आपके क्या कहते हैं डॉक्टर्स को एक क्लिनिक चाहिए होता है, वो भी चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो बन क्या रहा है एक एक पहले बता देते हैं आपको, कैसे कैसे तैयार हो रहा है, सब चीजें आपको कवर कर देते हैं इसमें। बेसमेंट लेवल 3 की पार्किंग तैयार हो रही है इसमें, जो कि आपको -1, -2, -3 में मिलने वाली है, पार्किंग अवेलेबल हो रही है। अगर आप कोई भी ऑफिस पश्चिम बिहार में लेते हैं, सपोजिंगली आपने कोई पश्चिम में ऑफिस लिया, तो आपको पार्किंग कहाँ मिलती है? पार्किंग नहीं मिलती है ना आपको इसमें, आपको सिर्फ ऑफिस स्पेस मिलता है, आपको ऑन रोड अपनी कार पार्किंग करनी होती है। बट यहाँ आपकी कार बिल्कुल सेफली पार्क होगी, सब चीज यहाँ पे आपको कैमरा सिक्योरिटी सब चीज मिल रही है यहाँ पे आपको। दूसरी बात, अगर हम इसके थोड़ा सा ऊपर आए फिर, तो ग्राउंड फ्लोर इसका रिटेल रहने वाला है, जो कि रिटेल सेक्शन टोटली रिटेल रहेगा आपको, जैसे कि आप इसमें कुछ भी किसी प्रकार का रिटेल टाइप्स कुछ भी खोल सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर हमारा टोटली रिटेल है, सेकंड फ्लोर हमारा जो है उसमें थोड़ा सा मिक्सअप है कि हमारा एक सेक्शन है हमारा फूड कोर्ट का और एक सेक्शन हमारा रेस्टोरेंट स्पेसेस का, क्योंकि रेस्टोरेंट चेन्स जो लोग यूज करते हैं रेस्टोरेंट्स, भाई कोई अपना रेस्टोरेंट चेन ओपन करना चाहता है तो वो यहाँ पे ओपन कर सकता है, अगर कोई फूड कोर्ट टाइप में अपना लेना चाहता है तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपना फूड कोर्ट भी खोल सकता है। दूसरी बात कि ये एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, बैंक लोन इस पे अवेलेबल है, एंड इसमें जो आप मैं दे रहा हूँ स्पेस वो एक अनलॉकेबल स्पेस नहीं है, मैं आपको लॉकेबल स्पेस दे रहा हूँ, आप खुद का भी काम कर सकते हैं, कल को रेंट पे चढ़ाना रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं, इसमें हर चीज आपको अवेलेबल है। तीसरी बात इसमें आपको बता देता हूँ कि मल्टीप्लेक्स भी आ रहा है। अगर आप मल्टीप्लेक्स की बात करें तो मल्टीप्लेक्स आपको आसपास पश्चिम बिहार पंजाबी भाग कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, तो बेसिकली यहाँ की डिमांड भी क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्स की काफी है कि लोगों को मल्टीप्लेक्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको एक नए इंफ्रा में मल्टीप्लेक्स भी इसमें मिल रहा है आपको। और मल्टीप्लेक्स इसमें आपका 4 स्क्रीन रहने वाला है, 3rd, 4th, 5th फ्लोर पे, उस पर डेडिकेटली मल्टीप्लेक्स के लिए। अब यहाँ के लोग पश्चिम बिहार के लोगों को जाना होता है अगर मूवी देखने, लोगों को जैसे मूवी देखने जाना हो तो आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम बिहार या पंजाबी भाग में मूवी सिनेमा क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्स है ही नहीं, आपको या तो एनएसपी जाना पड़े पैसिफिक, या फिर आपको इधर साइड जाना पड़े जनकपुरी साइड में। तो यहाँ के लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स भी लेकर आ रहे हैं डेडिकेटली, यहाँ पे 3 फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स रहने वाला है, 6th फ्लोर सर्विस फ्लोर रहेगा जिसमें कि आपका ग्रीन जोन टाइप एरिया होगा, जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट देखा भी होगा गुड़गांव में कि हाई राइज बिल्डिंग होती है, मिडिल फ्लोर पे हम ग्रीन टाइप जोन बना देते हैं लोगों के बैठने के लिए, उस टाइप से आपका 6th फ्लोर रहने वाला है। 7 से लेके 16th फ्लोर तक टोटली आपके ऑफिसेज हैं,
जो कि आपको एक शानदार रेट में शानदार प्राइस में अवेलेबल होंगे। रेट्स का एक बार डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा पहले हम बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो 7 से लेकर 16 फ्लोर तक हमारे टोटली ऑफिसेस रहेंगे इसमें, और जिन लोगों को भी ऑफिसेस चाहिए, जिन लोगों को ऑफिस की डिमांड है, सीएज हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं आपके, इन सब लोगों को ऑफिसेस की डिमांड रहती है, तो वो इसमें देख सकते हैं, आके बैठ के मीटिंग कर सकते हैं आराम से। इसमें एक आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलेगी और एक अच्छा एप्रिसिएशन कमाने का मौका मिल सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट हमारी जो है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कैसे कैसे है इसमें। आपको रेट्स के बारे में थोड़ा सा एक बार आइडिया देते हैं कि ग्राउंड फ्लोर जो है इसमें आपका 30,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है, और हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर का रेट है वो 23,500 पर स्क्वायर फीट का रेट है। सेकंड जो आपका फ्लोर है वो उस पर फूड कोर्ट पे आपका जो रेट है वो 23,500 पर स्क्वायर फीट का है, और अगर फूड आप रेस्टोरेंट चेन में आते हैं तो उसका 18,500 पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का रेट्स की बात। अब बात करते हैं ऑफिसेस की, जिन जो सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे डिमांडेबल है और सबसे ज़्यादा जिन चीज़ की डिमांड है वो ऑफिसेज हैं यहाँ पे। तो ऑफिसेज का जो रेट है 16,500 का यहाँ पे रेट है, माइनस 1,000 का इनॉग्रल डिस्काउंट 15,500। अगर आप भी एक अच्छा एप्रिसिएशन कमाना चाहते हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, नया इंफ्रा तैयार हो रहा है पश्चिम विहार में, अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको मिला नहीं होगा। आपकी रेडिसन से भी ऊंची बिल्डिंग जाएगी, हाई राइज जो होगी, अब तक की पश्चिम में की सबसे हाई राइज बिल्डिंग तैयार हो रही है यहाँ पे ये। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एक अच्छा एप्रिसिएशन कमाना चाहते हैं और एक अच्छे बेस्ट प्राइस में अपनी ऑफिस या दुकान या फूड कोर्ट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मीटिंग का टाइम लें, अपॉइंटमेंट लें, और आपको जो बेस्ट प्राइस होगा, जो बेस्ट डिस्काउंट होगा वो ऑन टेबल दिया जाएगा। आप कॉल करके मीटिंग का टाइम ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने घर में शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी आगे के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स लाते रहते हैं नई नई प्रॉपर्टीज़ के जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रेंटल और एक अच्छा एप्रिसिएशन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।